हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिस्टम में। आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जैसे दोस्तों हम आपको बताने वाले पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस क्या, और इस एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा, हम जो है इस वाला एप्लीकेशन का आज रिव्यू करने वाले हैं और इसमें आपको सारा डिटेल और प्रोसेस बताने वाले। तो चलिए चलने जाना है आपको मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर देना है पेटीएम फॉर बिजनेस। तो चलिए दोस्तों पेटीएम फॉर बिजनेस जैसे लिख के सर्च कर रहे हैं, आपको जो हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा होगा, आपको इस वाले एप्लीकेशंस को जो है इंस्टॉल कर लेना है। और जो है दोस्तों इस वाले एप्लीकेशंस के बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, इस वाले एप्लीकेशंस के बारे में आज हम रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर, यहाँ से इस एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। अब दोस्तों आपको जो यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जो गेट स्टार्टेड वाले के बटन पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको एक मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। ये देख लीजिए, आपको जो एक मोबाइल नंबर डाल देना, उसके बाद प्रोसेस सिक्योरिटी पे क्लिक करके सारे चीज़ को अलाउ कर देना। इतना कर देने के बाद दोस्तों आप देख पा रहेंगे हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जो जो लोडिंग ले रहा है, तो हम इसे लोडिंग लेने देते हैं। अब दोस्तों 6 अंक का OTP आएगा, उस OTP को जो है इस वाले बॉक्स में आपको एंटर कर देना, यानी कि इस वाले बॉक्स में आपको एंटर कर देना जो भी मोबाइल नंबर आपने डाला। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी तक हमारा यहाँ पे OTP नहीं आया है, तो जिसका भी OTP नहीं आएगा तो आप जो यहाँ पे एक रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे। अब जैसे रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑन SMS ऑन कॉल। तो चलिए हम ऑन कॉल वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों OTP सेंड सक्सेसफुल हमें जो है यहाँ पर लिखा दिया गया है। यहाँ पर जो OTP दोस्तों बताया जा रहा है कि OTP जो आपका यहाँ पे आ चुका है, सक्सेसफुल हमें बताया जा रहा है, मगर जबकि इसमें से जो OTP अभी तक नहीं आया है। तो चलिए हम जो फिर से एक बार जो है इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे OTP हमारा अभी तक क्यों नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो OTP यहाँ पे सक्सेसफुल आ चुका है और ये लोडिंग ले रहा है, अगला पेज जो है खुलने के लिए ये लोडिंग ले रहा है। तो हम इससे लोडिंग लेने देते हैं, बने रही है हमारे वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। अब आप दोस्तों हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, अब जो पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन को जैसे हमने ओपन किया, इसका नेक्स्ट पेज जो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब देखेंगे दोस्तों ध्यान से, तो इस वाले बॉक्स में जो आपको बिजनेस नेम डालना है, इस वाले बॉक्स में आपको बिजनेस कैटेगरी डालना है, इस वाले बॉक्स में आपको बिजनेस सब कैटेगरी डालना है, फिर दोस्तों प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ऐड न्यू बैंक अकाउंट, और फिर ऐड रेफरल कोड, ऐड गेट योर QR फ्यूचर अपडेट्स जो है इस पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों हम जो है सारी चीज़ को यहाँ पे कर देते कंप्लीट। अब इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको जो है प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कर देना। आप चाहे तो यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा काम नहीं कर रहा है, तो हमें इसमें ऐड न्यू बैंक अकाउंट डालने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम थोड़ी सी बैक हो जाएंगे, बैक हो जाने के चक्कर में हम पूरा ही बैक हो गए। तो फिर से हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन कर लेने के बाद देख पा रहे होंगे आप हमारे मोबाइल फ़ोन पे इंटरफेस जो इसमें जो हमें प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करते। अब दोस्तों इसमें से जो आपको क्या करना है, जैसे आप बैंक अकाउंट जो एड या फाइव बैंक अकाउंट, यानी कि दोस्तों आप जो इसमें 5 बैंक अकाउंट को इसमें से ऐड कर सकते हैं, और नीचे वाले बॉक्स में आप रेफरल कोड भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। बस आज के लिए दोस्तों इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस वाले बटन क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो आपका दोस्तों ID एक्टिव बन के जो एक्टिव हो जाएगा। बस आज के लिए दोस्तों इतना है, हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।